लगी इतनी कीमती भी ना सोने की ना चांदी की। इसकी अगर टोटी चोरी हो रही है, टोटी चोरी हो रही है तो उनको एक यहाँ पे चपरासी बैठाना चाहिए बाहर की, देखे कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है बाहर। मगर एक सीसी कैमरा लगाना ये उचित नहीं है, एक कॉलेज प्रशासन की तानाशाही चल रही है कॉलेज में। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ मतलब उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहे हैं वो किए जा रहे हैं। गजब ही हो गया, कॉलेज प्रशासन ने तो टॉयलेट के बाहर ही सीसीटीवी कैमरा लगा डाला। अरे भैया, ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरा कौन लगाता है और कौन इस तरह से टॉयलेट की निगरानी करता है? सलाम है ऐसे कॉलेज प्रशासन को और सलाम है ऐसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले को। अपने आप में ये गजब का मामला सामने आया है आजमगढ़ से, और ये कारनामा हुआ है डीएवी डिग्री कॉलेज में, जहां टॉयलेट के बाहर ही कैमरा लगा दिया गया। टॉयलेट के बाहर कैमरा लगने की जानकारी लगते ही छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्र सवाल करने लगे कि भैया, इस जगह को भी कैमरे की नजर में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? बल्कि छात्रों ने तो यहां तक बोल डाला कि उनकी प्राइवेसी के साथ ऐसी हरकत करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों ने तो यहां तक बोल डाला कि कॉलेज प्रबंधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यहाँ पे कॉलेज में मतलब एक बात, जो बच्चों को जहाँ शौचालय है उसी शौचालय के ठीक सामने जहाँ बच्चे शौचालय करते हैं उसी में उन्होंने सीसी कैमरा प्रिंसिपल प्राचार्य हमारे यहाँ के लगवा दिए हैं वहाँ पे, और जिसमें बच्चों को आने जाने में हर उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो डायरेक्टली उनको सुबह भी बोला गया था इस चीज़ के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में टोटी चोरी हो जा रही है, इसकी वजह से हम लोग सीसी कैमरा लगवा रहे हैं हर जगह पे। क्या मांग किया आप लोग? हम लोग यही मांग किया है इसे तत्काल इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। किस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? प्राचार्य जी पे, इनके ही आदेश पे एक सीसी कैमरा यहाँ पे लगा है। क्या लगता है प्राचार्य की ऐसी मानसिकता क्या प्रदर्शित करती है? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ मतलब उनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहे हैं वो किए जा रहे हैं। छात्रों के मुताबिक टोटी चोरी का बहाना देकर ये सीसीटीवी कैमरा कॉलेज प्रशासन ने यहाँ पर लगाया है। शौचालय के अंदर कैमरा लगाया, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जो कि कैमरा होना चाहिए क्लासरूम में, कॉरिडोर में, सीढ़ियों पे होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन को समझना चाहिए कि कॉलेज प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शौचालय के अंदर क्या आवश्यकता हो सकती है कैमरा लगाने की, क्योंकि प्राइवेसी का अंतर्गत आता है वो। इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला है, आप लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी दिया है, क्या मांग की आप लोगों ने? मांग ये की है कि कॉलेज प्रशासन पे कार्रवाई की करवानी चाहिए, जैसे कि समझना चाहिए कॉलेज प्रशासन को कि कैमरा किस जगह किस लिए लगाना चाहिए, शौचालय में के अंदर कैमरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि आए दिन टॉयलेट से टोटी चोरी कर ली जाती है और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, लेकिन गलती से सीसीटीवी कैमरे की डायरेक्शन टॉयलेट के अंदर की तरफ हो गई, इसे हटाकर दूसरी जगह लगाने का आदेश जारी भी किया गया है, बल्कि उसे ठीक भी कर दिया गया है। ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने बताई। पर लगाने कोई मसला नहीं थी, वहाँ उसके एंट्री पॉइंट पर वो कैमरा लगाने की बात हुई थी, गलती से वहाँ पर अंदर लग गया था, जो है कॉलेज प्रशासन को जानकारी हुई तत्काल उसको वहाँ से हटा दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने बेशक अपनी गलती मानकर चीजों को ठीक कर लिया हो, लेकिन जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में कॉलेज के इस कारनामे की चर्चा हो रही है, बल्कि कॉलेज का मजाक भी अब बन गया है। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं। आजमगढ़ से वीके न्यूज यूपी के लिए राकेश वर्मा की रिपोर्ट। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।